मैं जनवाणी न्यूज से विजेंद्र राणा। इस वक्त हम पलड़ी गांव के किसानों के खेतों में हैं। यहां पर गन्ने के खेत में गंभीर बीमारी आई हुई है। यह किनोनी मिल का क्षेत्र पड़ता है। किनोनी मिल के अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे उनका नाम जानते हैं, उनका पद जानते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं इस बीमारी का क्या उपाय है और किस प्रकार किसान अपना बचाव कर सकते हैं। आइए मिलते हैं किनोनी मिल के अधिकारियों से। आपका नाम? राजीव चौधरी। आपका पद क्या है सर? AGM। ये जो यहाँ आज खेत में पहुँचे हैं, गन्ने खेत में गंभीर बीमारी आई हुई है, इस बीमारी का क्या नाम है और किस प्रकार इस बीमारी से किसान लोग बच सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दें। इस बीमारी का नाम है लाल सड़न, रेड रोट जी। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, कैंसर है एक तरह का। ये फंगस है, एक बार खेत में शुरू हो गया, लग गया तो पूरे खेत में लगेगा, पूरे खेत में, पूरे क्षेत्र में आ जाएगा। इसका कोई इलाज नहीं है, कैंसर है, ना इलाज बीमारी है। इसकी थोड़ी सी रोकथाम है, जैसे ही हमने युगन्ना लिया, युगन्ना हमने जहाँ तक उखाड़ा वहाँ उस गड्ढा करके थोड़ा ब्लीचिंग पाउडर डाल दे एक मुट्ठी, उस गड्ढे को बंद कर दो, ये इसकी रोकथाम है। तो किसान किस प्रकार इस बीमारी से पूर्ण रूप से छुटकारा पा सकते हैं, इसके बारे में क्या जानकारी आप किसानों को देना चाहेंगे? किसान भाइयों को ये वैरायटी, ये प्रजाति हटानी पड़ेगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, दूसरी प्रजाति लगानी पड़ेगी। छोटी छोटी नर्सरी लगावें, 14201 वैरायटी है, 15023 है, 118 है, मील में बीज भी उपलब्ध है उनका, और ये वैरायटी लगावें, एक दो दो बीघे की नर्सरी कर लें तो इसकी रोकथाम कुछ हद तक होगी, ये वैरायटी ख़त्म है। किस गन्ने के वैरायटी में सबसे ज़्यादा ये रोग आया हुआ है? ये 238 में रोग है, ये हर तीसरे खेत में रोग है, 238 वैरायटी में है, और किसी में नहीं है। क्या मिल की तरफ से किसानों को फसल बोने से पहले जानकारी नहीं दी जाती कि आप इस तरह की फसल बोएं या यह बीज बोएं या यह वैरायटी बोएं? जानकारी बराबर दे रहे हैं, हमारे क्षेत्र में ये रोग नहीं था, ये इसी साल देखने को मिला है। बराबर हमारा स्टाफ सब लोग जानकारी बराबर दे रहे हैं, जानकारी का कोई अभाव नहीं है। और बीज भी हमारे पास दूसरी वैरायटी का बीज भी है, इसका रिप्लेसमेंट भी है, थोड़ा थोड़ा बीज भी उपलब्ध करवा रहे हैं। अभी ऑटम प्लांटिंग शुरू हो रही, आज तो बारिश होगी खैर, हड़की पुड़की इधर तो हुई नहीं, तो बीज की व्यवस्था भी कर रहे मील और नर्सरी लगवा रहे। क्या अब ये रोग हो चुका है, फसल लगभग तैयार है, सीजन शुरू होने वाला है मील का, इसकी रोकथाम के लिए कोई दवाई, कोई छिड़काव इस तरह का भी किया जा सकता है कि ये इसमें रोकथाम हो सके? दवाई इसकी कोई है नहीं, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कर रही है, ब्लीचिंग पाउडर मील की तरफ से दिया जा रहा छूट पे, और ब्लीचिंग पाउडर ही इसका एकमात्र इलाज है रोकथाम के लिए। किसानों को मील की तरफ से दवाई और अन्य खाद वगैरह सब्सिडी पे दिए जाते हैं, छूट पे दिए जाते हैं या पूर्ण रेट पर दिए जाते हैं? कुछ दवाई सब्सिडी पे दी जाती, कुछ पूर्ण रेट से रेट पे दाम पे दी जाती, दोनों तरीके की दवाई। क्या कोई कार्यशाला या प्रशिक्षण का कार्यक्रम मिल की तरफ से समय समय पर फसल बोने से पहले किसानों को दिया जाता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम इस तरह का मिल की तरफ से कोई प्रावधान है? गांव गांव में किसान गोष्ठी कर रहे, लोगों को, जो किसान को जागरूक कर रहे, इसकी जानकारी दे रहे, और आगे और युद्ध स्तर पर काम होगा इसके लिए, रेड रोट के लिए। रेड रोट की बीमारी बताई है मिल के अधिकारियों ने, इसके बारे में जानकारी देते हुए कहा कि यह बहुत गंभीर बीमारी है, फसल को बदल कर ही, बीज को बदल कर ही इस रोग से छुटकारा पाया जा सकता है। अभी हमारे साथ में दूसरे अधिकारी भी मौजूद हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे, वो क्या क्या उपाय इसके बारे में बताना चाहेंगे। सीनियर अधिकारी श्री राजीव चौधरी जी उपस्थित है, लगभग तो इन्होंने सारी बातें बताई दी है। दूसरा यही है कि बस अपने किसान अपने खेत की मेड़बंदी करे और दूसरे खेतों में पानी ना जावे और अपनी वैरायटी को अधिकांश बदलने का प्रयास करे। आपका नाम? विकास सोलंकी। पद? असिस्टेंट मैनेजर कैन। अभी आप अपने अधिकारी जी के साथ मौजूद हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे इस रोग के बारे में जो किसानों की फसल में आया हुआ है? मैं मेरे तो क्षेत्र में लगातार निरंतर यही प्रयास है कि किसान अपनी वैरायटी बदले और छोटी छोटी नर्सरी लगवा, जो अभी हमारे सीनियर अधिकारियों ने बताया यही बात है, किसान उन्हीं को अपनाना पड़ेगा, उन्हीं बातों को किसान को, और तभी इससे छुटकारा मिल पाएगा, नहीं तो ये धीरे धीरे बीमारी है बुरी तरह से खेतों में फैल जाएगी।
कि किस प्रकार किसानों को जागरूक बनाने का प्लान मिल की तरफ से बनाया जा रहा है, थोड़ा इसके बारे में जानकारी दें किसानों को। प्रत्येक दिन प्रत्येक गांव में लगभग 1 से 2 मीटिंग हम करते हैं, गोष्ठी करते हैं किसानों के साथ, और खाली रेड रोड नहीं, कोई भी बीमारी हो गंदे में, उक्का बोइंग या अन्य जो भी बीमारी है, उन समय समय पर किसान को उनकी सूचना देते हैं और मिलते हैं किसान से, लगातार खेतों में रहते हैं। बहुत अच्छी जानकारी मेल अधिकारियों ने दी है। अभी आपको ये गन्ने के रोग का ये गन्ना दिखाते हैं। देखो ये इस तरह की जो है इसमें रोग है, ये इस तरह का गन्ना हो जाता है, ये बिल्कुल ख़राब हो जाता है। क्या सर इस गन्ने से जो है वो जो गुड़ या चीनी वगैरह या खंड वगैरह बन सकती है या बनाएंगे? बीमार गन्ना है, इसका तो कोई मतलब नहीं रहा, इसका कोई ना इसमें रिकवरी है ना इसमें मील योग्य गन्ना नहीं है, सप्लाई योग्य गन्ना नहीं। तो मील इस गन्ने को नहीं लेगा? नहीं लेगा, मील लेगा, पर ये रोकथाम करनी पड़ेगी ना। मील मान लो सारे एरिया में ही हो जाएगा तो मील कहाँ लेगा गन्ने को? खुद ही खत्म हो जाएगा, किसान की आमदनी नहीं होने की, किसान का तो खर्चा इतना हो जाएगा, ये खुद सूख कर जमीन पर गिर जाएगा। जमीन पे हाँ, हालत इस तरह की होती है, गन्ना बिल्कुल सूख जाएगा, ना इसमें वजन रहेगा और ना ये किसी योग्य रहेगा, ना इसमें घोड़ा है, ना इसमें वजन है, ना इसमें रिकवरी चीनी है, ना ये कुल्लू में के लाक है, ना मील के लाक है, खत्म नहीं होगा। देखिए देखिए कुछ नहीं है, देख सकते हो आप, रसदिन मिल जाएगी, सिरके जैसी, हर सिरके जैसी है, इसमें गंध पैदा हो जा, पहचान है इसकी, पहचान है इसे, पाड़ के देख लो लाल लाल माला सी। किसानों को बहुत भारी नुकसान इस बार फसल का हो रहा है, किसान परेशान है, मिल अधिकारी घूम घूम कर दौरा कर रहे हैं, किसानों को जानकारी दे रहे हैं, फसल का बचाव का प्रयास कर रहे हैं। उनका कहना है अगर गन्ना खराब हो जाएगा तो सूख कर जमीन पर गिर जाएगा, इसका कोई उपाय नहीं बचेगा, और किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बीज को बदलें और फसल चक्र अपना कर अपना जो है फसल का बदलाव करें। बहुत अच्छी जानकारी मिल अधिकारियों ने दी, किसान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे कितना बीघा उनका ये गन्ना है और कितने दिन से ये रोग उनको दिखाई दे रहा है। आपका नाम? राजपाल सिंह। ये कितने बीघे गन्ने में आपके जो है ये फसल में रोग दिखाई दे रहा है? 11 बीघे के करीब में लग रहा है जी। कितने दिन पहले आपको पता लगा इसका, इस रोग का? करीबन 1 महीने के पहले लगा जी। अभी कुछ उपाय आपने किया है जो मिल अधिकारियों ने आपको बताया है, दवाई वगैरह किया आपने? अब दवाई लाएंगे वहाँ से, ब्लीचिंग पाउडर और डाल लेंगे इसमें, उखाड़ के इनमें। तो लगभग कितना नुकसान आपको दिखाई दे रहा है इसमें? इसमें तो भी 10 नुकसान दे रहा है, 50% के करीब। देखिए किस तरह ये सूखता जा रहा है गन्ना और काफी नुकसान हो रहा है। किसान तो परेशान और चिंतित है ही, उसकी फसल खराब हो रही है, लेकिन किसानों के साथ साथ किन्नौनी मिल के अधिकारी और कर्मचारी भी परेशान और दुखी दिखाई दे रहे हैं कि किसानों की फसल बर्बाद हो जाएगी तो हम कहां से गन्ना मिल को सप्लाई करेंगे। इसी प्रयास को करते हुए किसान के खेत में आज अधिकारी लोग पहुंचे हैं और किसानों को जागरूक कर रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं, उनको बता रहे हैं किस तरह आप अपने उपाय करें और किस तरह अपना बचाव करें। देखो किस तरह खेत खाली होता जा रहा है, किसान की फसल खराब होती जा रही है। ये प्रकृति की मार कहे या किसानों की लापरवाही कहे या बीज की कमी कहे, इसको कुछ भी नाम दिया जा सकता है, लेकिन बहरहाल किसान आज परेशान है, उसके 11 बीघे फसल में यह नुकसान दिखाई दे रहा है। और अकेले ये पलडी के किसान ही नहीं है, अभी पिछले दिनों पलडा में भी इस तरह का रोग दिखाई दिया और पूरे क्षेत्र में फैलता जा रहा है, सभी किसान परेशान दिखाई दे रहे हैं। किसानों के साथ में प्रकृति की मार के साथ साथ उसकी कुछ अपनी लापरवाही भी उजागर होती रहती है समय समय पर, क्योंकि किसान उसी पुराने ढर्रे पर अपनी खेती को करते रहते हैं। अगर किसान अपने फसल चक्र को अपनाए, आधुनिक युग में आधुनिक तरीके से अगर खेती करे तो बदलाव आ सकता है। मिल अधिकारी कर्मचारी प्रयासरत हैं कि किसानों को जागरूक किया जाए और उनको उनकी फसल के बचाव के लिए उन्हें जानकारी दी जाए। उसके बावजूद भी कुछ किसान अपने पुराने पैटर्न पर ही आज भी खेती कर रहे हैं। देखिए किस तरह नुकसान किसान का दिखाई दे रहा है। ये देखिए किस तरह फसल सूखती जा रही है। बस बस, बस।
इसमें जी जो एक निर्भया बोलो जो अभी प्रभावित पौधे हैं जी, इन्हें उखाड़ के जहाँ से उखाड़ेंगे उसी गड्ढे में ब्लीचिंग पाउडर डाल देंगे जी, और उस गड्ढे को बंद कर देंगे। फिलहाल का यही इलाज है इसका। अभी एजीएम सर बता रहे हैं कि ये जो गड्ढे ये जो पौधे खराब हो चुके हैं किसान इनको अगर उखाड़ कर ब्लीचिंग पाउडर डालकर उसको बंद कर दे तो अन्य पौधों में यह रोग फैलने से बच सकता है। किसानों को इसके लिए जागरूक किया जा रहा है, उनको बार बार सलाह दी जा रही है कि जो फसल के पौधे खराब हो चुके हैं उन पौधों को उखाड़े और इनमें ब्लीचिंग पाउडर डालकर उसको बंद कर दे ताकि अन्य पौधों स्वस्थ पौधों में यह रोग न पहुंचने पाए। इसका बराबर ट्राइकोडर्मा किसानों को ट्राइकोडर्मा ब्लीचिंग पाउडर दिया जा रहा है प्रभावित जगह पर देखते हुए, जहाँ जहाँ भी ये दिक्कत आ रही समस्या आ रही वहाँ ये व्यवस्था अपना स्टाफ जा रहा और ये ब्लीचिंग पाउडर की इसकी ड्राइकोडर्मा की व्यवस्था करवा रहे। जो भी जहाँ भी कहीं गांव में एक गांव में दो दो मीटिंग कर रहे, जहाँ भी हर खेत को देख रहे, कामदार सुपरवाइजर ब्लॉक इंचार्ज अधिकारी कर्मचारी सब लगे हुए हैं, बहुत अच्छी तरीके से सबकी जाँच पड़ताल कर रहे, कहीं भी कोई दिक्कत आती तो उसका तुरंत समाधान किया जाता है। बहुत अच्छी जानकारी। खेतों के बीच किसानों के साथ पहुंचकर किनोनी मिल के एजीएम राजीव चौधरी जी दे रहे हैं, किसानों को जागरूक कर रहे हैं। जानकारी देने के लिए धन्यवाद। जनवाणी न्यूज से बिजेंद्र राणा।